यदि कुदरती कहर से बचना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। दारक है शक्ति अपार, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, पतितों का भी होता सुधार, सरकार तुम्हारे हाथों में। आप फिर समझो कि कुत्ता भी अपने कुत्ते के मांस को नहीं खाता है, वो भी उसको छोड़ देता है, दूसरे के मांस को खाता है। और आप जिसका दूध पीते हो, माता कहते हो, उसका मांस खा जाते हो और कहते हो हम पुजारी हैं और हम हिंदू हैं और हम जो है अनिन्यता हैं और हम अधिकारी हैं, कहने के हकदार हो? सोचो आप। अरे भाई, अब चेत जाओ, कोई बताने वाला नहीं मिला तो अब सुन लो, समझ लो, अब चेत जाओ। जब ही चेतो तभी सही, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। प्रेमियों, आप लोग मेहनत करो, आपका मेहनत रंग लाएगा। देखो, हमेशा छोटे छोटे लोगों ने ही धर्म की स्थापना में मदद किया है। ये काम छोटे लोगों के द्वारा ही होता है। जिनको लोग गरीब कहते हैं, कम पैसे वाले होते हैं, उनके द्वारा होता है। अगर धर्म का काम, आध्यात्म का विकास पैसे से होना होता तो पूरा देश क्रिश्चियन बन गया होता। सोचो कितना पैसा खर्चा करते हैं, कितना क्या तनख्वाह देते हैं, क्या साधन सुविधा करते हैं ये ईसाई धर्म वाले। तो ये भारत देश है, इसमें संस्कार धर्म का है, महात्माओं का है, इसलिए आप ये काम कर सकते हो। तो बताना क्या है, ये भी आपको बता दें, बताना है कि यह मनुष्य का भोजन नहीं, जानवरों को बनाया है, जानवरों को खा करके गंदगी को साफ करने के लिए। अब पेट अगर किसी का भरा रहे, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, तो वो कुछ खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पसंद करेगा खाना। पेट जब भरा होता है तो नहीं खाता है। ऐसे ही अपने मौत अगर ये जानवर मरे, जैसे चूहा है, अपने मौत अगर मर जाता है तो बिल्ली का आहार बन जाता है, बिल्ली अगर अपने मुंह मरती है तो कुत्ते का आहार बन जाती है, छिपकली अपने आप अगर अपनी मौत मरती है तो वो बिल्ली का आहार बन जाती है, भोजन बन जाती है। ऐसे ही अपनी मौत अगर ये मरने लग जाएंगे, मारेंगे काटेंगे नहीं लोग, तो वो उनका भोजन बन जाएगा। अब वो हमला इसलिए करते हैं कि भूखे रहते हैं, तो मनुष्य के लिए ही रक्षा के लिए बनाए गए। बहुत कीड़े मकोड़े हो जाएं, बहुत सी चीज़ें ऐसी गंदगी पैदा करने वाली हो जाएं, तो आदमी बीमार हो जाएगा, हवा ये दूषित हो जाएगी, इसलिए इन जानवरों को बना दिया गया। कोई जानवर मर गया, पक्षी मर गया, अब आप ये समझो जब तक गिद्ध और कौवा उसको खा नहीं लेंगे तो गंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी, इसलिए एक दूसरे का आहार बना दिया। मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, मर जाती है तो पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं, यह उनका भोजन है। मांसाहारी और शाकाहारी का अंग भी अलग बनाया है प्रकृति ने, भगवान ने। कैसे, यह भी आपको बता दें, ये जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी आँखें गोल होती हैं, चमकीली होती हैं और दूर तक उनको रात को दिखाई पड़ता है। अंधेरे में बैठे हों तो वो अपना शिकार दूर तक देख लेते हैं। अंधेरे में कोई बैठा हो जानवर तो आप
आँखों को देख करके समझ सकते हो कि यह कोई हिंसक जानवर बैठा हुआ है रात को। उनके बच्चों की आँखें जब पैदा होते हैं तो 3-4 दिन के बाद खुलती हैं, मनुष्य के बच्चों की आँख तुरंत खुल जाती है। ये जो है ऐसे टेढ़ी आँख होती है मनुष्य की, उनकी गोल होती है। चाट करके पानी पीते हैं ये जो मांसाहारी जानवर हैं, और मनुष्य और शाकाहारी जानवर गाय घोड़ा ये सब खींच कर पानी पीते हैं, ऐसे खींच कर पीते हैं। मनुष्य के जबड़ा होता है, जबड़ा या जहाँ से दांत निकलता है उनके जबड़ा नहीं होता है, इसलिए वो मुंह बंद करके चबा करके नहीं खा पाते हैं। वो तो खाते समय जो मांसाहारी जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली शेर ये जब ऐसे खाते हैं तो मुंह को खोलते हैं और बंद करते हैं, मुंह को ऐसे खोलेंगे बंद करेंगे और नोच करके खाते हैं। उनके दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं तो वो नोचते हैं, इसे मांस को नोचते हैं और नोच करके चक 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 ऐसे नीचे ऊपर करके स्वाद लेकर के, जैसे किसी के दांत न हो तो वो दांत नहीं होता है तो जीभ से उसको रस लेकर के और जीभ से ऐसे निकल जाता है अंदर। इसी तरह से समझो कि उनका चमड़ा नहीं चलता है इसलिए ऐसे जीभ से चाट करके और अंदर डाल लेते हैं इसे अंदर। आप ये समझो पसीना नहीं होता है किसके, इनके जानवरों के मांसाहारी के, मनुष्य के पसीना होता है। मनुष्य के बच्चे के दांत एक बार निकल जाती है फिर बाहर आती है, गिर जाती है फिर जमती है, उनकी एक ही बार रहती है। आपको और भी बता दें, पानी कम पीते हैं मनुष्य, पानी ज़्यादा पीता है। कहीं ऐसी जगह पर वो रह जाएं जहाँ पानी की कमी हो ना मिले तो भी ज़्यादा दिन तक जिंदा रह जाते हैं। कैसे जिंदा रहते हैं, ऐसे जीव ऐसे निकाल करके और हवा में जो नमी है, जो पानी है हवा में, उससे वो जिंदा रह जाते हैं। इन जानवरों के बच्चे 3-4 महीने में ही बन करके बाहर निकल आते हैं और मनुष्य के बच्चा को बनने में 9 महीने का समय लगता है। तो ये सब है पहचान, प्रकृति ने ही बना दिया, प्रकृति के नियम को लोग खराब कर दे रहे हैं। देखो इस धरती को गंदा करके हवा को दूषित कर दे रहे हैं, और अभी आप देखना कैसी हवा जहरीली हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। अगर यही हाल रहा जानवर मारे काटे जाते रहे तो यह हवा दूषित हो जाएगी, धरती की उपज भी कम हो जाएगी। यह भी कितना भी खाद डालोगे तो समझ लो कि ये पैदावार उस हिसाब से नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से लागत लगेगी। अभी तो थोड़ा तत्व इसमें मौजूद है तो ज़्यादा लागत लगा दे रहे हो और आपकी आमदनी बढ़ रही है उसी उपज को बढ़ाने में लगे हुए हो। लेकिन हमको याद है बचपने में कि हमारे दादाजी थे जिनको बाबा भी कहते हैं, तो वो क्या करते थे कि खेत को आराम करने देते थे, उसमें गोबर डलवा देते थे और एक फसल लेते थे। क्यों? क्योंकि उसके तत्व न ख़त्म हो जाए। अब सारे तत्व ये ख़त्म होते चले जा रहे हैं, कहाँ से आएगा अन्न, कहाँ से ये जो अन्य घर बनते चले जा रहे हैं, ज़मीनें जो चलती चली जा रही हैं, नगर बसाए जा रहे हैं, कारखाने बाहर से भी बुलाए जा रहे हैं लगाने के लिए, तो अनाज कहाँ से आएगा। संख्या तो बढ़ती चली जा रही है, ब्रह्मचर्य का पालन सिखाया जा रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन अगर सिखाया जाए तो आप ये समझ लो कि अभी अन्य संख्या कम हो जाएगी। और संख्या अगर बढ़ानी है, हम ये नहीं कहते हैं, भारत देश में ये कहा गया है कि दूधो नहाओ पूतो फलो, यह भी इतिहास बता रहा है कि 56 करोड़ यदुवंशी, आप समझो कि एक ही जाति के यदुवंशी कृष्ण के समय में थे। राजा सगर के कितने पुत्र थे, आप ये समझ लो कि एक एक खानदान में एक एक आदमी के बहुत बड़ा परिवार था। लेकिन सबको खाने को मिलता था, सबके पास कपड़ा था, रहने का मकान था, कोई टेंशन नहीं, नियत अच्छी थी। और नियत जब अच्छी होती है
तब बरकत होती है, नियत खराब हो जाती है तो बरकत ख़त्म हो जाता है। वो राजा घूमने गए थे ना अकबर, प्यास लग गई, पानी मिला नहीं, तो नारियल बेच रही थी एक बुढ़िया, तो कहा कि नारियल पिला दो, तो उसने एक नारियल तोड़ा और रस निकाला उसका, एक गिलास पूरा भर गया। बोले बादशाह कितने का है? एक आने का। तो एक आना उस समय महत्व रखता था, कीमत थी उसकी। तो बादशाह ने सोचा बड़ी आमदनी होगी, बड़े अनार लगे हैं इस पर, तो टैक्स क्यों ना लगा दिया जाए। टैक्स लगा दिया। दूसरे साल जब राजा फिर गए, याद आया बुढ़िया अनार बेच रही थी, चले वहाँ पिए, बड़ा मीठा था। जब पहुँचे, तीन अनार तोड़ा तो भी गिलास खाली रह गया। तब बादशाह ने पूछा, पिछले साल एक ही गिलास, एक ही अनार में गिलास भर गया था, तीन तोड़ी तो भी क्यों नहीं भरा? तब बोली, इस देश, इस राज्य के हर राजा की नीयत खराब हो गई। वो हम गरीबों पर टैक्स लगा दिया, उसका पेट अन्य जगहों से नहीं भरा, तो हम गरीबों के पेट पर लात मार दिया, इसलिए कुदरत ने बरकत बंद कर दिया। तो नियत से बरकत होती है। नियत दुरुस्त करने के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जितने भी बुद्धिजीवी हैं, क्रीम ब्रेन के लोग हैं, चाहे वो राजनेता हों, चाहे अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे प्रबुद्ध नागरिक हों, चाहे ये देश के पंडित मुल्ला पुजारी बादरी हों, इनको इन सब चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। इनसे हमारी अपील है, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, गुजारिश है कि भाई, देश आपका है, देश की जनता आपकी है, देश की संपत्ति आपकी है, तो आपको इस देश से प्रेम होना चाहिए। आप जब इस देश की धरती का अन्न खाते हो, इस देश के ऊपर जो आसमान है उसके नीचे रहते हो, यहाँ के जलवायु में आप पलते हो, आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते लिखाते हो, अपने परिवार को यहाँ रखते हो, तो आपको इससे प्रेम होना चाहिए। आपके इसके, आपको इसकी मर्यादा को, आन बान शान को बनाए रखना चाहिए। इसी में आपकी प्रतिष्ठा है, इसी में आपकी इज्जत है। और अगर ये देश तरक्की करेगा, देश के लोग तरक्की करेंगे, अगर देश के लोगों का खान पान चरित्र सही होगा, इसका नकल अगर विदेशी करेंगे, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति को अगर सीखेंगे, और जब आप किसी भी देश में जाओगे कहोगे हम भारतीय हैं, हम भारत से आए हैं, तब आपकी इज्जत बढ़ेगी। आप अगर कोई ये कहो कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो आपकी उतनी कदर नहीं होगी कि जब विकसित देश, चाहे आध्यात्म विकास में, चाहे आध्यात्म में विकसित हो, आध्यात्म का विकास हो जाए यहाँ भरपूर, या ऐसे अन्य विकास हो, जब आप कहोगे हम विकसित देश भारत के हैं, तब आपका लोग सम्मान करेंगे, आपको माला पहनाएंगे। इसलिए आज नए वर्ष में आप सब लोगों को सोचने की ज़रूरत है, देशवासियों को, कि हम भारत के नागरिक हैं, और गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। और भारत की इज्जत, भारत का सम्मान तभी बढ़ेगा जब भारत के लोग हर मामले में एकता स्थापित करके, मानवता स्थापित करके, धर्म धार्मिक बन करके, आध्यात्मिक मानव धर्म का पालन करके, आध्यात्मिक बन करके, यानी एकजुटता दिखाएंगे और तरक्की करेंगे, तब आपकी इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर आज के दिन आप सब लोगों को, जितने भी लोग आए हो जगह जगह के, चाहे जिस धर्म के हो, चाहे जिस जात मजहब के हो, चाहे जिस देवी देवता भगवान के मानने वाले हो, आप सब लोगों को नए वर्ष में ये याद करने की ज़रूरत है कि हम सब लोग मानव धर्म का पालन करके, मानवता लोगों के अंदर ला करके, और देश को विकसित करेंगे, देश प्रेम लोगों को सिखाएंगे, और देश की शक्ति को हर तरह से बढ़ाएंगे। अब अगर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाए देश की, लोग आध्यात्मिक हो जाएं, तो आध्यात्म के आगे ये जितनी चीज़ें हैं ये सब बौनी पड़ जाती हैं, ये सब छोटी हो जाती हैं। तो क्यों ना आध्यात्मिक बन जाया जाए, आध्यात्मिक बना दिया जाए,
कि एक साधे सब सत है और सब साधे सच्चा है, एक प्रभु को प्राप्त करा दिया जाए कि जो सबका सृजनहार है, सबको देता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कहे गए सबके दाता राम, जो सबको देता है उसी से क्यों न दिला दिया जाए। दूसरे देश से मांगने के बजाय, दूसरे लोगों से कहने के बजाय उसी से क्यों न कहा जाए। जो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और लेता है तो झाड़ू से बहार के लेता है, ये कहावत चरितार्थ से किया जाए उसी से क्यों न दिला दिया जाए। तो लोगों को ईश्वरवादी बनाओ, आध्यात्मवादी बनाओ, और आप लोगों को जिनको नामदान मिल गया है, आप लोग सुमिरन, आप लोग ध्यान, आप लोग भजन करते रहो बराबर। अब ये बताओ कि कोई नामदान लेने के लिए नए तो नहीं आए हो? आज आए हो नामदान लेने के लिए? अभी तो नहीं हो सकता, शाम को हो जाएगा, शाम को दे देंगे नामदान। आज की ही तारीख में आपको नामदान गुरु महाराज की दया रही तो मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं, समय ज़्यादा हो गया, क्योंकि सुबह से ही ये लोग बैठे हुए हैं, 3 घंटा हो रहा है, तो अब नहीं हो सकता, समय लगता है थोड़ा, आधा पौन घंटा तो कम से कम लगता है। 4 बजे से हो जाएगा, 4 बजे फिर ही सत्संग हो जाएगा, समझ दिया जाएगा कुछ थोड़ा, आपको नए आदमियों को समझा दिया जाएगा और फिर आपको नामदान दे दिया जाएगा। और आप लोग जो यहाँ नए वर्ष में आए थे, अब धीरे 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 प्रस्थान करो और जाओ, और ये जो सुमिरन, ये ध्यान, ये भजन जो बताया गया है, इसको आप लोग करना। सुमिरन आपको बताया, जिसके नाम को लो उसके रूप को याद करो। ध्यान में क्या होता है कि ये जो मन आपको बता ही रहा था तब तक दूसरा विषय आ गया, तो ये मन यानी जो यानी समझो कि एक तरह से जैसे तबा होता है, जैसे तसला होता है, आप समझो पतीली जैसे होती है ऐसे टेढ़ी, ऐसे मन यह है, इस तरह से इसका आकार है। अब समझो ये कहाँ पर है, ये वहीं पर है जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, तो उस पर से जीवात्मा की धार पड़ती है। जैसे ये समझो ये हमारा हाथ है, अब इस पर जब कोई चीज़ पड़ेगी ये उभरा हुआ है तो ये ऐसे टकराएगी। अगर ये हाथ चमकीला है और इस पर टॉर्च जलाओगे तो रोशनी दूसरी जगह जाएगी, ऐसे ही यानी जीवात्मा की धार इस पर पड़ती है और वापस हो करके और ये नीचे तक जाती है, यहाँ तक अंगूठे तक जाती है। अब इधर से जब इसको खींचते हैं, जीवात्मा को समेटते हैं ताकत को, तब यह मन ऐसे उभरता चला जाता है और जीवात्मा की पावर बढ़ती चली जाती है और फिर यही उभरा हुआ मन ऐसे दब जाता है ऐसे। अब जब यह दबेगा तो पहले तो बराबर होगा और उसके बाद और ज़्यादा दबेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो इसका मुंह ऊपर हो जाता है, फिर उस तरफ हो जाता है और जीवात्मा का इधर से संबंध खत्म हो जाता है। जीवात्मा इस शरीर को अपने भूल जाती है और ऊपर की तरफ जब ये जाती है, ऊपर की तरफ ये, और मन ऊपर की तरफ हो जाता है, तब उसी में जो शब्द है जैसे चुंबक खींचता है, ऐसे ये शब्द रूपी जो जीवात्मा है इसको वो खींच लेता है, शब्द खींच लेता है और ये अंधकार से प्रकाश की नगरी में चली जाती है। प्रकाश ही नगरी में ये देवी देवता और ये जितने भी देश के ऊपरी देश के लोग हैं ये सब उसी में रहते हैं, प्रकाश ही नगरी में रहते हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों कि नीचे से इसका संबंध जब ये ख़त्म होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा तब इसको शब्द पकड़ में आ जाएगा, जीवात्मा के शब्द पकड़ में आ जाए। तभी तो कहा ना कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा का मतलब ये नहीं मरा 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 बोले, मरा मरा कहोगे तो राम राम आ जाएंगे, मरा मरा कहोगे तो राम राम आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको समझा देता हूँ, अंग्रेजी ज़्यादा लोग पढ़े हो इसमें, डी ओ जी डाग, डाग माने कुत्ता, और उधर से पढ़ो डी ओ जी डाग, और उधर से पढ़ो तो जी ओ डी गॉड। अब कुत्ता क्या करता है, क्या खाता है, और वो गॉड क्या,
मोटी चुनता है, जीवात्मा मोटी चुनती और ये गंदगी खाता कुत्ता। तो अब ये जब इंद्रियों की तरफ मन हो गया तो ये इसी गंदगी में फंसा है, लेट्रिन पेशाब की जगह पर यह बैठा हुआ है, और जब ऊपर ये जाएगा तो मोटी चुनेगा। तो उल्टा इसको खींचो, इधर से खींचो, उल्टा करो इसको, इधर से धार इसके नीचे आ रही है और इधर से उल्टा करो और ले जाओ इसको ऊपर, तब ये ऊपर निकल जाएगा, साथ दे देगा। तो ध्यान इसीलिए बताया गया कि इधर का ध्यान छोड़ो, अभी ध्यान कहाँ है, अंगूठे की तरफ है, घुटने की तरफ है, घुटना दर्द कर रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि बैठता हूँ जब तक दर्द करता है, पैर में दर्द हो जाता है, अरे तो दबा दो तो सुन्न हो जाएगा। जब दर्द करेगा तभी तो आपका मन उधर जाएगा कि दर्द कर रहा है, और दबा दो थोड़ी देर के बाद जब सुन्न हो गया तो मन जाएगा, नहीं जाएगा। तो अभी तो इसका ध्यान इधर है, जब उधर हो जाएगा तब आप ये समझ लो काम बच जाएगा। तो उस वही ध्यान लगाना है, इसको शरीर को भूलना है और उधर ध्यान लगाना है, उस तरफ ले जाना है। देखो सूरत क्या उतरी है, जीवात्माएँ जब उतरी तो ये किस रूप में उतरी, धारा के रूप में उतरी। धारा किसको कहते हैं, जैसे एक बूंद पानी गिरा दो तो कहते हैं पानी गिर गया, और पानी ऊपर से तेजी से डालो कहते पानियों में पानी की धारा बहती है, और नालियों में क्या बहता है, पानी बहता है, और नदियों में धारा बहती है। तो ये जब उतारी गई तो जैसे नदी का पानी बहुत ज़्यादा गिरता है जहाँ गिरता है, नाली का कम गिरता है, इसी तरह से ये जब उतारी गई जीवात्माएं तो इनको धारा कहा गया है। अब ये जो धारा उतर गई नीचे की तरफ, इसी को जब ऊपर की तरफ करेंगे तो यही राधा हो जाएगा। धारा को पढ़ो तो धा रा, और रा ऐसे पढ़ो तो राधा, उल्टा हो जाता है। तभी तो कहा ना कबीर धारा आगम की, सदगुर रही बताए, उलटता है सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। राधा स्वामी नाम उन्होंने क्यों रखा, यही धारा, यही सूरज की धारा। जब ये ऊपर गई तो वहाँ जब मिली स्वामी के संग, तब उन्होंने कहा राधा। जैसे मरा 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 कहते रहो तो राम राम आ जाता है, ऐसे धारा 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 राधा आ जाता है ना राधा। तो कहा उन्होंने राधा स्वामी, स्वामी माने मालिक। और उसके पास सूरज जब पहुंच गई तब उन्होंने कहा कि इस धारा का, इस राधा का यह मालिक है, तो राधा स्वामी नाम रख दिया गया उसका। ऐसे ही आपको समझना चाहिए। तो ध्यान इस तरह से लगाना कि भूल जाना शरीर को और उस प्रभु की तरफ लगाना, उस धारा को पकड़ना जो जिससे उतरी है ये जीवात्मा, वो धारा के रूप में ही ऊपर उतरती है। इतने आदमी बैठे हो सब वहीं से जुड़े हो तो धारा है कि नहीं है, ऐसे ही समझना चाहिए आपको। भजन में आवाज़ को पकड़ा जाता है जो बराबर हो रही है, आ रही धुन धुर से बुलाने के लिए, धुन आपको कल बताया था वहाँ से आवाज़ निकल रही है आपको बुलाने के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसी को पकड़ना रहेगा। तो मन को जब इधर लगाओगे, ध्वनि की तरफ ही लगाओगे, आवाज़ की तरफ ही लगाओगे, तभी तो आवाज़ पकड़ में आएगी। आपको नामदान देते समय बताया गया था कि भाई कहीं हारमोनियम बज रहा हो, ढोलक बज रहा हो, मंजीरा बज रहा हो, आप उधर जब ध्यान लगाते हो क्या बज रहा क्या बज रहा क्या बज रहा है, तब आपको सुनाई पड़ता है। ऐसे ही जब उधर ध्यान लगाओगे आवाज़ किधर से आ रही है क्या आ रही है, तब वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहना, और कर्मों का विधान जैसा मैंने आपको बताया जटिल बन गया है, कठिन बन गया है, इन कर्मों के विधान को आप ये समझो कोई मेट नहीं सकता है। तो कर्म के चक्कर में आप न पड़ जाओ और कर्मों की सजा आपको मिल जाए, लौट लौट करके इसी 84 में जन्म न मरना पड़ जाए, उससे बचने के लिए शरीर से कर्म जो बन गए हैं उनको धो डालो, उनको साफ कर लो सेवा के द्वारा। जो भी संगत की सेवा हो, जो भी जीवों की सेवा हो, जो भी सेवा आप कर सको, सेवा बराबर अपने अपने स्तर से शरीर से करते रहना।
और शरीर से ही धन को कमाते हो, धन से ही शरीर को सुखी करने के लिए धन से भी पाप कर डालते हो, तो धन को भी लगाते रहना, जिससे वो भी साफ होता जाए, वो भी पवित्र होता जाए, उसको भी लगाते रहना। और मन को दूषित मत करना, मन बहुत जल्दी दूषित हो जाता है। क्यों? मन ये काल का वकील है, मन ये मन की डोर माया के हाथ में है, तो ये मन को ही सबसे पहले खराब करती है। इसलिए मन पर अंकुश लगाए रहना, मन का निरख परख बराबर करते रहना कि मन हमारा क्या कह रहा है। मन अगर कोई काम करने को कहे तो आप चित्त से चिंतन करना कि यह काम अच्छा है कि बुरा है, बुराई की तरफ तो नहीं खींच के ले जा रहा है। उस समय पर आप बुद्धि लगाना कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका असर क्या होगा, इसमें हमारा धन का, तन का और हमारी इज्जत का कितना नुकसान होगा, इसका आकलन करना, बुद्धि लगाना। और बुद्धि लगा करके फिर बुद्धि जो निर्णय लेगी वो काम करना। और अब तो आपकी पापी बुद्धि बननी नहीं है, क्योंकि अब आपको अपना खान पान चरित्र सही रखना है, तब आपकी बुद्धि अब पाप कर्म नहीं करवाएगी, फिर तो वो सही निर्णय लेगी। बुद्धि लगाओगे तो सही रास्ते पर वो चला जाएगी। इसलिए आप कोई भी काम तुरंत, जब बुरा कर्म करने के लिए, बुरा काम करने के लिए मन कहे तो तुरंत निर्णय मत लेना। अच्छे काम के लिए अगर मन कहे, आपके समझ में आ जाए कि अच्छा काम है, तो उसको करने में देर भी मत करना, नहीं तो दोबारा फिर मन नहीं करने देगा, बदल जाएगा। तो ठीक है, जाओ हंसी खुशी जाओ, और बराबर याद करते रहना, हम भी याद करते रहेंगे। गुरु महाराज को प्रेम में हमारे याद करते रहना, आते जाते रहना, प्रेम की जगह बराबर बनाए रखना। हम तो आपको याद करते ही रहेंगे, हम जब यहाँ रहेंगे या कहीं रहेंगे आप आ जाना, और नहीं तो हम भी तो चलते फिरते रहते हैं, आपके घर पहुँच सकते हैं, नज़दीक पहुँच जाएंगे तो वहीं पर आप आ जाना। मेल जोल से क्या होता है, आने जाने से मेल जोल से प्रेम बढ़ता है, और प्रेम जब हो जाता है एक दूसरे के, तो एक दूसरे के दूसरे लोग काम आते हैं, जो जैसा होता है प्रेम में काम करता है। कहते ना, प्रेम से काम कला लो, प्रेम से दिल जीत लो, सब काम बन जाएगा। तो बराबर प्रेम करते रहना, प्रेम को आप मत भूलना। बराबर देखो, गुरुमुखता संत मत में प्रमुख चीज़ बताई गई है, गुरुमुख बने रहना, बराबर गुरुमुखता करना, बराबर आदेश का पालन करना। ये जो कहा जाता है कि भाई भक्ति करो तो किसकी करो, भक्ति करो तो गुरु की करो, तो गुरु भक्ति है क्या? एक तो शरीर की भक्ति होती है, जो बताऊँ वो उसको उस काम को करो। दूसरा आत्मा की भक्ति होती है कि आत्मा को अपने जगह करके और प्रभु के पास पहुंचा दो, वहाँ ही आने जाने लग जाए। दिन में 10 बार मरो, 10 बार जियो, तो जब मरना सीख जाओगे तो मरने की कोई फिक्र रहेगी? कोई फिक्र नहीं रहेगी। अभी तो मौत से डर लगता है, फिर मौत से डर नहीं लगेगा। इसलिए यह भी काम बराबर आप सब लोग करते रहो। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो उन्माद में मत पड़ना, क्योंकि उन्माद अभी बढ़ेगा। चाहे धार्मिक उन्माद हो, चाहे राजनीतिक उन्माद हो, चाहे जाति बिरादरी का उन्माद हो, जो भी विनाशकारी उन्माद होते हैं या भी बढ़ेंगे, उन्माद में मत आना। संयमित जीवन बिताना, आप कोई निर्णय इस तरह की मत ले लेना कि जिसमें लोगों की जान चली जाए या आपकी जान चली जाए, क्योंकि ये चीज़ें भी बढ़ेंगी। अभी बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। दूसरे ठगी भी बढ़ेगी, उसमें कहीं ठग न जाना लो बहुत लालच में कि घर का भी पैसा चला जाए, कमाने के लालच में आप खर्च कर दो, तो ठगों से भी होशियार रहना, लोभ लालच से आप लोग दूर रहना। प्रेमी बोलो जय गुरुदेव।
परहेज अगर नहीं करोगे, स्वस्थ नहीं रहेगा शरीर, तो ये मन बराबर आपको भजन से, ध्यान से, सुमिरन से, परमात्म से, सेवा से, ये आपको हटाता रहेगा। क्योंकि ये मन इस समय पर पूरे इस शरीर का राजा हो गया और जीवात्मा ये बेचारी हो गई। पहले ये जीवात्मा बहुत ताकतवर थी, बड़ी शक्तिशाली थी, परमात्मा की ये अंश है, मन तो ये रास्ते में लग गया। तो जैसे कोई राजा हो, राजा का मंत्री बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए और राजा से दोस्ती हो जाए, राजा का विश्वास पात्र हो जाए मंत्री, और मंत्री की ही हुकूमत पूरी चलने लग जाए, राज्य का मालिक मंत्री हो जाए, ऐसे ही ये मन हो गया। सूरज का, इस जीवात्मा का मन, यानी समझो कि एक तरह से यानी मंत्री ही राजा हो गया, वो पूरा कब्जा इसका हो गया। पहले जब ये सूरत उतारी गई थी, मन इसके साथ लगाया गया था, तब इतना ताकतवर मन नहीं था, लेकिन इसका स्थान ऐसी जगह पर बना दिया माया ने इस शरीर के अंदर रचना में कि जीवात्मा के प्रकाश से मन का खुराक हो गया, मन का यानी चाल हो गया, मन की स्पीड हो गई, गति हो गई, कार्य हो गया इसका, एक तरह से समझ लो। मन कैसा है, मन की बनावट जीवात्मा से बहुत अलग है। जीवात्मा तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी, बहुत, उसका तो प्रकाश, उसकी रोशनी और उसका तो कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मन ये उल्टा तवा कह लो आप, या कोई समझो कड़ाही कह लो, ऐसे ऐसे उलट करके रखो तो ऊपर की तरफ वो ऊँचा रहता है, नीचे समझो कि खाली रहता है। तो जीवात्मा का प्रकाश उस पर पड़ा, मन वही पास ही में है, ये उस पर पड़ता है और उसी से यानी शरीर के नीचे यानी जीवात्मा मन के साथ ये उतर आती है। और मन ये जब नीचे उतरा, आँख के पास आया जीवात्मा के साथ, कान के पास आया, मुंह के पास आया, नभ्याजी इधर गया पूरे शरीर में, तो उसी तरह का, जिस तरह का जैसा माहौल था, वातावरण था, उसी तरह का यानी समझ लो कि मन आदि हो गया। इस समय पर जितना मन विषयों का आदि हो गया, इन चीज़ों का, देखने का, सुनने का, आप ये समझो बोलने का, यानी इंद्रियों का आदि हो गया, इसमें सुख जैसा खोजने लग गया। पहले ऐसा नहीं था। समय का प्रभाव होता है, समय के अनुसार यानी समझो कि यानी क्रियाएं होती हैं। शरीर का देखो, जैसे ठंडी में शरीर का की क्रिया अलग थी, ठंडी जब बगती थी तो ऐसे ही आप हाथ को मोड़ लेते थे, अब इस समय गर्मी है, एकदम खुला खुला चाहते हो, उस समय गर्म जगह चाहते थे, ऐसे ही यानी परिवर्तनशील बदलाव के संसार में, युग के बदलने के अनुसार कलयुग में इस समय पर बहुत ही इंद्रियों का मन ये भोगी हो गया। मन की डोर किसके हाथ में है, माया के हाथ में है। माया ये नहीं चाहती है कि ये बगीचा उजड़ जाए जो हमने लगाया है, काल नहीं चाहते कि ये जीव अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास चले जाएं, इसलिए यानी वो डोर को सूरज के अपने हाथ में रखते हैं और मन की डोर को माया अपने हाथ में रखती है। आप देखो इस समय पर तो प्रेमियों यानी समझो कि काल भी अपने इस मूड में है, रो में है कि ये जाने न पाऊँ, निकलने न पाऊँ। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम
होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।